गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड अगेन वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर सेकेंड लाइव सेशन ऑफ क्लास 6 फिजिक्स चैप्टर 1 मैटर। सो डियर स्टूडेंट्स, इन योर प्रीवियस लाइव सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट द टर्म मैटर, वेयर वी डिस्कस दैट मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। देन आफ्टर विच वी डिस्कस एग्जाम्पल्स ऑफ द मैटर एंड द कंपोजिशन ऑफ मैटर, वेयर वेरियस साइंटिस्ट हैव गिवन द वेरियस डेफिनेशंस और द कंपोजिशन ऑफ मैटर। देन आफ्टर विच वी डिस्कस अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर। सो देर आर टोटल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट, सेकेंड वन इज लिक्विड स्टेट एंड द थर्ड वन इज गैसियस स्टेट। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस इन योर प्रीवियस लाइव सेशन। नाउ इन टूडेज लाइव सेशन वी विल डिस्कस द स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। So dear students, if my voice is clear, you are listening me very well, then please type yes in the live chat box with your complete name. So dear students, please mention your complete name in the live chat box, then after which I will start our today's live session. Yes beta, Admir Chauhan. Yes beta, yes beta, please also mention your name. So okay dear students, now so as we all know that we have 3 states of matter. So the 3 states states of matter are the 3 distinct physical forms. Yes beta, I will also explain in Hindi, so don't worry. Forms that matter can take in most environment. And these are the solid state, liquid state and the gaseous state. जैसे कि हम सिंपली देख सकते हैं, अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ सिंपली यहाँ पे, सो लाइक दैट अगर आपके पास, जैसे हमने प्रीवियस लाइव सेशन में हमने स्टोन का एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, सो लाइक दैट जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, सो दिस इज़ अ स्टोन। ये हमारे पास यहाँ पे सिंपली क्या है, ये एक स्टोन हमारे पास है। सो आप अगर यस बेटा, दिस इज़ ड्यू टू योर नेटवर्क, योर नेटवर्क स्पीड इज़ वेरी स्लो, दैट्स वाई यू आर नॉट seeing the words clearly. Beta, I am taking here the class because this is saved on the YouTube, so you can easily take this class on another time also. So if you want to revise again, so you can also take the class after completing this. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे हमारे पास सिंपली क्या है, एक स्टोन है। सो अगर मैं सिंपली स्टोन की बात करता हूँ, तो स्टोन को आप सिंपली देखकर बता सकते हो कि ये कैसा होगा हमारा। सो स्टोन हमारा कैसा होगा, यहाँ पे फिजिकल स्टेट क्या होगी स्टोन की, फिजिकल स्टेट की अगर मैं यहाँ पे सिंपली बात करता हूँ या फिर फिजिकल फॉर्म की मैं बात करता हूँ, तो क्या होगी यहाँ पे इसकी फिजिकल फॉर्म, दिस विल बी दी सॉलिड।
सो यहाँ पे इसकी फिजिकल फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। सो फिजिकल फॉर्म से आपको समझ में आया, फिजिकल फॉर्म्स हमारी मीन्स जिसको हम देख के बता सकते हैं, अपनी आई से हम देख सकते हैं कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसेज है। सो मैटर की हमारी कितनी फिजिकल फॉर्म्स होती हैं, सो थ्री फिजिकल फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। लाइक दैट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सिंपली वाटर की, सो वाटर की अगर मैं सिंपली बात करूँ, सो वाटर की फिजिकल फॉर्म क्या होगी हमारी, सो इट विल बी दी लिक्विड। सो वाटर की हमारी फिजिकल फॉर्म क्या हो जाएगी, वो हमारी लिक्विड हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ वी कैन सिंपली आइडेंटिफाई द फिजिकल फॉर्म ऑफ मैटर। एंड मैटर ऑलवेज एग्जिस्ट ओनली इन थ्री फिजिकल फॉर्म्स और थ्री फिजिकल स्टेट्स, दीज आर द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन वी विल डिस्कस हेयर ऑल दी थ्री स्टेट्स इन डिटेल। सो हम यहाँ पे वन बाय वन सभी थ्री स्टेट्स को अच्छे से डिटेल में हम स्टडी करेंगे। सो नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, विच इज द सॉलिड स्टेट। यस बेटा, गुड मॉर्निंग। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। सो सॉलिड स्टेट के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, क्या प्रॉपर्टीज़ को वो शो करेगा। सो उन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अ सॉलिड हैज अ सॉलिड हैज अ स्टेबल definite shape and a definite volume. Class time, then he or she will be able to take this class on another time because it's all saved on the YouTube server. So this is only for your convenience. So dear students, what is a solid state? A solid state is simply defined as a state which has a stable, जो हमारी state कैसी होगी, stable होगी। Like that, अगर मैं simply बात करता हूँ यहाँ पे, अभी हमने पीछे example को study किया, stone के example को हमने study किया। So अगर हम simply stone को क्या करें, simply stone को किसी भी सरफेस पे अगर हम सिंपली रख दें उसको, तो देन वो वहाँ पे सिंपली क्या रहेगा, हमारा स्टेबल रहेगा, यानी कि वो मूव नहीं कर पाएगा। बट अगर मैं सिंपली जैसे कि लिक्विड में अगर मैं बात करूँ सिंपली वाटर की, सो अगर मैं वाटर को सिंपली किसी सरफेस पे वहाँ पे रखता हूँ, देन वो सिंपली स्प्रेड कर जाएगा, वो सिंपली क्या कर जाएगा वहाँ पे स्प्रेड, यानी कि वो फ्लो कर जाएगा, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर जाएगा, सिंपली वहाँ पे मूव कर जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, गॉट द पॉइंट हेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल हेयर, स्टेबल का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग हेयर इज द डेफिनेट शेप। सो जो सॉलिड स्टेट होगी हमारी, उसकी क्या होगी हमारी, सिंपली उसकी हमारी हमेशा क्या होगी, एक डेफिनेट शेप होगी, यानी कि एक फिक्स्ड शेप होगी, उसकी शेप में कोई भी वहाँ पे चेंज नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज द डेफिनेट वॉल्यूम। सो जो एक हमारा सॉलिड स्टेट होता है, वो सिंपली हमारे क्या होती है वहाँ पे, उसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम मीन्स द स्पेस ऑक्यूपाइड। सो अभी हमने स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, मैटर इज एनीथिंग विच हैज स्पेस, विच ऑक्यूपाइज स्पेस। सो मैटर हमारा वो कोई भी चीज़ होगी जो स्पेस को क्या करता है, बेसिकली ऑक्यूपाई करता है। एंड द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी मैटर इज सिंपली नोन एज इट्स वॉल्यूम, वो उसकी क्या हो जाएगी, सिंपली वॉल्यूम हो जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम सिंपली यहाँ पे बात करते हैं आगे कुछ और पॉइंट्स की। सो लाइक दैट सॉलिड्स कैन ओनली change their shapes
change their shapes under force, as when squeezed, crushed, broken, or so. Dear students, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो एक सॉलिड होता है, सॉलिड स्टेट होती है जो वहाँ पे, देन वहाँ पे सिंपली डियर स्टूडेंट्स उसकी एक डेफिनेट शेप होती है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, बट हम उसकी शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. लेकिन कब चेंज कर पाएंगे हम, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे. फोर्स मीन्स अगर हम उसको क्या करेंगे, उसको हम सिंपली दबाएंगे, यानी कि उसको हम सिंपली फोर्स लगा रहे हैं, देन फोर्स की वजह से वो क्या होगी, स्क्वीज होगी, या फिर वो क्रश हो जाएगी, या फिर वो ब्रोक, या फिर वो कट हो जाएगी. सो तब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली उसकी शेप में चेंज कर सकते हैं. स्क्वीज्ड मींस बेटा उसको सिंपली दबाना. लाइक दैट, अगर हमारे पास क्या है, ये एक स्टोन है, और इस स्टोन को अगर मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँ, इसको मैं हैमर्ड करूँ, यानी कि हैमर की मदद से मैं इस पर क्या करूँ, इस पर फोर्स लगाऊँ, इसको तोड़ू, यहाँ पे ब्रोक करूँ, देन इसकी शेप में क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली इसकी शेप में हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. यस बेटा, स्क्वीज्ड मीन्स सिंपली यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, स्क्वीज यानी कि इसको दबा रहे हैं. लाइक दैट, अगर आपके पास क्या है, बैलून है एक, ठीक है, बैलून आपने क्या किया हुआ है, वाटर से फिल्ड किया हुआ है बैलून को, और अगर आप उसको अपने हैंड में पकड़ो और देन उसको क्या करो, दबाओ, दैट मीन्स द स्क्वीज. आप उसको क्या कर रहे हो, सिंपली स्क्वीज कर रहे हो. So dear students, got the point here? Now let's discuss some more points regarding the solid state of matter. So dear students, different solids have different properties such as the hardness, texture, rigidity, and color. सो डियर स्टूडेंट्स, जो सॉलिड्स होते हैं, जो डिफरेंट सॉलिड्स होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है. लाइक दैट, उनकी हार्डनेस में डिफरेंट हमें मिलेगा, यानी कि वो कितने हार्ड होंगे. उनका जो टेक्सचर है, टेक्सचर का मीन्स वो सॉफ्ट हैं या फिर वो रफ हैं. नेक्स्ट रिजिडिटी, रिजिडिटी मीन्स वो टफ हैं या फिर नहीं है. एंड नेक्स्ट वन इज़ द कलर, उनका जो कलर होगा. नाउ लाइक दैट, अगर मैं यहाँ पे सिंपली बात करता हूँ, सो लाइक दैट अगर हमारे पास क्या है, सिंपली हमारे पास एक स्टोन है एंड नेक्स्ट हमारे पास है सीमेंट. सो बेटर, रिजिडिटी मीन्स द टफनेस, वो कितना सिंपली वहां पे टफ होगा. यस बेटा, यू हैव टू यूज द वन साइडेड फिजिक्स साइंस प्लान कॉपी. बेटा रिजिडिटी मीन्स द टफ. लाइक दैट, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हेयर. एक एग्जाम्पल की हेल्प से अब हम यहाँ पे सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं. नाउ लाइक दैट, अगर हमारे पास सिंपली क्या है, एक स्टोन है एंड सिंपली हमारे पास क्या है, सीमेंट पाउडर है. नाउ सिंपली अब हम बात करते हैं यहाँ पे. लाइक दैट, अगर आप स्टोन में यहाँ पे इसकी क्या करो, स्टोन में अगर प्रॉपर्टीज देखो, सो स्टोन क्या होगा, हार्ड होगा, हार्डनेस होगी इसके अंदर. टेक्सचर मीन्स थोड़ा स्टोन क्या होगा, आपका रफ हो जाएगा. रिजिडिटी मीन्स स्टोन क्या होगा, बहुत ज़्यादा टफ होगा. टफ मीन्स अगर आप इसको क्या करोगे, अपने हैंड में लेके इसको स्क्वीज करोगे, देन ये स्क्वीज नहीं हो पाएगा यहाँ पे आपका सिंपली. एंड द कलर की अगर हम बात करें, सो लाइक दैट अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिंपली जो स्टोन है वो हमारा कैसा है, ब्राउन कलर का है. लाइक दैट,
एंड नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सीमेंट की. सो सीमेंट में क्या होगी, हार्डनेस कम होगी. सीमेंट पाउडर की हम बात कर रहे हैं सिंपली. यस बेटा, यू हैव टू यूज़ दी वन साइडेड प्लान कॉपी. नाउ डियर स्टूडेंट्स, सीमेंट पाउडर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हार्ड इतना नहीं होगा एज कम्पेयर टू दी स्टोन. नेक्स्ट इसका जो टेक्स्चर होगा, यहाँ पे टेक्स्चर कैसा होगा, सिंपली स्मूथ होगा. रिजिडिटी, रिजिडिटी यानी कि टफनेस, इसकी अभी यहाँ पे क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू दी स्टोन. एंड अगर हम कलर की बात करें देन इसका सिंपली कलर कैसा होगा, इसका सिंपली कलर होगा ग्रे ब्लैक. सो दैट्स हाउ यू कैन यस बेटा, व्हाट हैपेंड, स्टोरीज ग्रे कलर, व्हाट्स दिस. सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक दैट यू कैन सिंपली डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू सॉलिड्स विद द हेल्प ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. सो जैसा भी मैंने बताया यहाँ पे आपको, जो डिफरेंट सॉलिड्स होते हैं उन सभी की प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, आपकी डिफरेंट होती है. जैसे अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल को डिस्कस किया, फर्स्ट हमारे पास स्टोन है एंड सेकेंड वन इज सीमेंट पाउडर. सो बोथ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड मैटर है दोनों, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज में क्या है, यहाँ पे हमारा डिफरेंट है. सो बेसिकली जो डिफरेंस मिलेगा प्रॉपर्टीज में, वो हमें मिलेगा उनकी हार्डनेस में, उनके टेक्सचर में, उनकी रिजिडिटी में. रिजिडिटी मीन्स टफनेस, वो कितने टफ हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज द कलर. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स हियर. सो कुछ और एग्जाम्पल्स को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं. यस बेटा, दिस इज क्लास गोइंग ऑन इन सिक्स्थ बी, देन आफ्टर विच इट विल बी इन सिक्स्थ सी ऑल्सो. आई एम टीचिंग सिक्स्थ बी एंड सिक्स्थ सी ऑल्सो. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हेयर. सो अ सॉलिड मे बी हार्ड और सॉफ्ट. हमारे जो सॉलिड्स होते हैं वो हमारे हार्ड भी हो सकते हैं एंड सॉफ्ट भी हो सकते हैं. लाइक दैट अगर मैं सिंपली बात करता हूँ यहाँ पे सॉफ्ट की, सो सॉफ्ट में यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं लाइक दैट द कॉटन एंड द स्पॉन्ज. नाउ नेक्स्ट वन अगर मैं हार्ड की बात करता हूँ, सो लाइक दैट द आयरन, जैसे आपका आयरन हो गया. सो ये हमारा एक हार्ड सॉलिड है एंड द कॉटन एंड द स्पॉन्ज दीज आर द सॉफ्ट सॉलिड्स. नाउ नेक्स्ट वन इज अ सॉलिड मे बी स्मूथ और रफ. अ सॉलिड मे बी स्मूथ और रफ. अब आपका बेटा एक जो सॉलिड होगा वो स्मूथ भी हो सकता है एंड वो हमारा क्या हो सकता है, रफ भी हो सकता है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल हेयर लाइक दैट द सिल्क फैब्रिक. सो जो हमारे क्या होते हैं, सिल्क फैब्रिक होते हैं, यानी कि जो सिल्क के हमारे क्या होते हैं, क्लोथ्स होते हैं. दीज आर स्मूथ. ये कैसे होंगे, हमारे टेक्स्चर में स्मूथ होंगे. एंड लाइक दैट द सैंड पेपर, जैसे हमारा क्या होता है, सैंड पेपर होता है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रफ सॉलिड. यस बेटा, वॉल्यूम इज सिंपली डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा देन वो उसकी सिंपली क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी. यस बेटा, स्टील इज ऑल्सो अ हार्ड सॉलिड. So dear students, this is the solid state of matter. Now moving on to the second state of matter, which is the liquid state. So now let's discuss about the properties or characteristic features of liquid state. लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. यस बेटा, आफ टुडे और टुमारो आई विल सेंड द वर्क ऑफ दिस चैप्टर नंबर 1, द एक्सरसाइज सॉल्यूशंस.
यस बेटा, सैंड पेपर इज़ लाइक अ पेपर. सैंड पेपर आपका सिंपली एक पेपर होता है, बट उस पेपर का जो सरफेस होता है वो रफ होता है. लाइक दैट, जैसे आपकी कॉपी है, बुक्स हैं, सो वहाँ पे उनके जो पेपर्स हैं वो आपके स्मूथ होंगे, बट जो सैंड पेपर होता है वो कैसा होता है आपका, उसका सरफेस बेसिकली वो होता है आपका रफ. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. यस बेटा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट सैंड पेपर इज सिंपली लाइक अ पेपर दैट लाइक दैट द पेपर्स प्रेजेंट इन योर बुक्स एंड कॉपी, बट द सरफेस ऑफ सैंड पेपर इज सिंपली रफ. नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. सो द लिक्विड्स यस बेटा, वी सिंपली यूज द सैंड पेपर लाइक दैट इफ वी हैव सम आयरन ऑब्जेक्ट. अगर हमारे पास कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है एंड अगर हमें उसके सरफेस को सिंपली क्लीन करना हो, देन हम उसके सरफेस को सिंपली रब करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर, देन उसका सरफेस सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्लीन हो जाएगा. सो फॉर क्लीनिंग पर्पज वी यूज द सैंड पेपर. सो डियर स्टूडेंट्स, लिक्विड्स do not have a fixed shape. So जो हमारे liquids होते हैं, liquids की कोई भी fixed shape नहीं होती है. Like that, let's take an example here. So जैसे कि हमारे पास यहाँ पे suppose ये हमारे पास एक container है. Now ये हमारे पास यहाँ पे एक container है which is of square shape का हमारे पास एक container है. नाउ सेकेंड कंटेनर है हमारे पास, दिस इज ऑफ सिलेंड्रिकल शेप. ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर है. नाउ अगर मैं इन दोनों ही कंटेनर्स को वाटर से फिल करता हूँ, दोनों के अंदर मैं किसको फिल करता हूँ, सिंपली वाटर को फिल करता हूँ, देन अगर हम इसमें यहाँ पे बात करते हैं द शेप ऑफ द वाटर. सो वाटर हमारा सिंपली क्या है, एक लिक्विड है. नाउ जैसे ही हमने इस स्क्वायर कंटेनर में क्या क्या वाटर को फिल किया, देन द शेप ऑफ द वाटर, वाटर की जो शेप होगी वो बेसिकली क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी. नाउ सेकंड केस की अगर हम बात करते हैं, सेकंड केस में हमारे पास जो कंटेनर है वो किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है. देन जैसे ही यहाँ पे मैंने इसमें वाटर फिल किया, देन वाटर ने किसकी शेप को अटेंड कर लिया, यहाँ पे सिंपली जो हमारे सिलेंडर की शेप थी. सो नाउ इन दिस केस यहाँ पे जो वाटर की शेप है वो सिलेंड्रिकल है, एंड देन यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट केस में, यहाँ पे हमारी वाटर की शेप कैसी है, स्क्वायर है. सो हेयर द शेप इज द स्क्वायर एंड हेयर द शेप इज द सिलेंड्रिकल. सो लाइक दैट डियर स्टूडेंट्स, हम सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स की कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है, दे सिंपली टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच वी फिल्ड दैम. नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, दे फ्लो एंड टेक द शेप of the container into which they are poured. अगर मैं हिंदी वर्ड यहां पर बताऊं, फ्लो का मीन्स होता है बहना. सो दे सिंपली फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्योर्ड और फिल्ड. सो जिस भी कंटेनर के अंदर हम लिक्विड्स को फिल करेंगे, उनको डालेंगे, वो उसी की शेप को क्या कर लेंगे, उसी की शेप को वो गेन कर लेंगे. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे फ्लो होने की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे एक उसके अंदर हम पॉइंट को स्टडी करते हैं. एक पॉइंट होता है हमारा, लिक्विड्स जनरली फ्लो. सो दे फ्लो From a higher level, poured means बेटा fill करना उनको, simply container के अंदर fill करना, उसको डालना, container में डालना, higher level to a lower level.
सो डियर स्टूडेंट्स, हेयर द पॉइंट एक्सप्लेन्स सिंपली हेयर दैट जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स हाई लेवल से लोअर लेवल की तरफ क्या करते हैं, वो फ्लो करते हैं. लाइक दैट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हेयर. एक एग्जाम्पल को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं. सो लाइक दैट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास सिंपली ये दो कंटेनर्स हैं. नाउ दिस इज द कंटेनर ए एंड दिस इज द कंटेनर बी. यस बेटा, माय नेम इज सूर्यांश. नाउ डियर स्टूडेंट्स, बोथ दीज कंटेनर्स आर फिल्ड विद वॉटर. सो हेयर इन द फर्स्ट कंटेनर द इट इज कम्प्लीटली फिल्ड विद वॉटर. ये कम्प्लीटली क्या है, हमारा वॉटर से फिल्ड है. एंड यहाँ पे जो सेकेंड कंटेनर है वो बेसिकली हमारा हाफ ही फिल्ड है वॉटर से. नाउ अब दोनों ही कंटेनर्स एक पाइप के थ्रू क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. नाउ अभी जो पाइप्स हैं दोनों के, वो क्या है, यहाँ पे सिंपली क्लोज्ड हैं. नाउ सो इट मीन्स यहाँ पे अभी कोई भी वॉटर का फ्लो, कोई भी वॉटर में मूवमेंट नहीं हो रहा है. बट इफ आई सिंपली ओपन द ट्यूब्स और द पाइप दैट कनेक्ट्स बोथ दीज कंटेनर्स टुगेदर, अगर मैं इन दोनों कंटेनर्स को सिंपली एक दूसरे से कनेक्ट कर दूँ, देन सिंपली यहाँ पे क्या होगा. अब देखो, फर्स्ट कंटेनर, कंटेनर ए में वॉटर बहुत ज़्यादा है, यानी कि वॉटर का लेवल यहाँ पे क्या है, हायर है. सो इन दी कंटेनर ए हायर लेवल है, एंड कंटेनर बी में यहाँ पे क्या है, लोअर लेवल है. देन सिंपली यहाँ पे क्या होगा, वॉटर की कुछ अमाउंट फ्लो होके कहाँ पे आ जाएगी, कंटेनर बी के अंदर आ जाएगी. सो लाइक दैट दिस इज द कंटेनर ए, दिस इज द कंटेनर बी. सो यहाँ पे क्या होगा, जो वॉटर होगा वो क्या कर जाएगा, सिंपली फ्लो कर जाएगा कहाँ पे, कंटेनर बी में सिंपली. और कितना फ्लो करेगा, कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों कंटेनर्स में जो वॉटर का लेवल है वो क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए. सो आफ्टर फ्लो, फ्लो होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, वॉटर लेवल जो है वो सेम हो जाएगा कंटेनर ए में भी एंड कंटेनर बी में भी. सो ये एक्टिविटी हमारी क्या करती है, ये एक्टिविटी हमारी यहाँ पे प्रूव करती है दैट वॉटर फ्लोज और लिक्विड फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल. वाटर जो होता है हमारा, या सिंपली जो लिक्विड्स होते हैं, वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ क्या करते हैं, सिंपली फ्लो करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया है कंसेप्ट फ्लो का. अगर आप सभी को क्लियर है देन प्लीज टाइप येस इन द लाइव चैट बॉक्स. देन आफ्टर विच आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो डियर स्टूडेंट्स, एनी मैटर दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लो. यस बेटा, व्हाट हैपेंड, दिस इज अ सिंपल एक्टिविटी दैट शोज वॉटर फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल. यू हैव सिंपली टेकन टू कंटेनर्स, वन इज विच इज फील्ड ऑफ वॉटर, कंप्लीटली फील्ड ऑफ वॉटर, एंड द सेकेंड वन विच इज हाफ फील्ड इन वॉटर. येस बेटा, आई एम ऑल्सो टीचिंग फिजिक्स इन क्लास 6B एंड ऑल्सो इन क्लास 6C. नाउ डियर स्टूडेंट्स, एनी मैटर दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड अ फ्लो. सो कोई भी मैटर हो जो फ्लो कर सकता है, सो उस मैटर को हम क्या बोलेंगे, उस मैटर को हम फ्लूड बोलेंगे. एंड दिस प्रॉपर्टी इज सिंपली नोन एज द फ्लूडिटी. सो कोई भी मैटर है अगर हमारे पास, और वो क्या कर रहा है, बेसिकली सिंपली फ्लो कर रहा है, इट मीन्स वो क्या होगा, उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, उसको हम सिंपली बोलेंगे फ्लूड. Now, dear students, let's discuss some more points here. So, I can simply say here that liquids and gases, liquids and gases are also called
are also called as flows. So liquids और gases को हम simply यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इनको हम simply यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, fluids बोल सकते हैं, because both liquids and gases have the ability to flow. So दोनों के अंदर क्या होती है, हमारी simply ability होती है क्या करने की, flow करने की. Now next point here, they have a fixed volume. नाउ जब हमारे लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स की क्या होती है, लिक्विड्स की हमारी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है. इट मीन्स दे सिंपली ऑक्यूपाई अ फिक्स्ड है, वो गेन करते हैं, मीन्स उनकी जो वॉल्यूम होगी, मीन्स जो उनका स्पेस होगा, जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करेंगे वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा हमारा. नाउ लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स हियर. सो कुछ एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. सो सम एग्जाम्पल्स, यस बेटा, वॉल्यूम मीन्स द स्पेस ऑक्यूपाइड. द स्पेस ऑक्यूपाइड, नाउ डियर स्टूडेंट्स सम एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स आर oils, milk, water, juice, etc. So all these are the examples of the liquids. Now dear students, moving on to the third and the last state of matter, which is the gaseous state. गैसियस स्टेट. सो अब हम मूव करते हैं थर्ड स्टेट पे, एंड द थर्ड स्टेट हियर इज द गैसियस स्टेट. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस. सो डियर स्टूडेंट्स, गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड, डू नॉट हैव अ डेफिनेट डेफिनेट शेप. As well as the volume, means taken the shape. वो simply क्या करते हैं, जिस भी container के अंदर हम उनको fill करते हैं उसी container की वो shape को gain कर लेते हैं, and उसी container की वो volume को भी क्या कर लेते हैं, gain कर लेते हैं. Now like that, अगर यहाँ पे simply मेरे पास एक container है, नाउ मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, इस कंटेनर की सपोज इसकी जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितनी है, इसकी वॉल्यूम है यहाँ पे 5 liters. 5 liters इस कंटेनर की वॉल्यूम है, मीन्स इसकी कैपेसिटी है. नाउ इसमें मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ट्यूब के थ्रू मैंने यहाँ पे इसमें क्या किया, इसके अंदर मैंने एक गैस को फिल किया. नाउ जैसे ही मैंने यहाँ पे गैस को फिल, टेप होगी वहाँ पे, डेफिनेट शेप मीन्स एक फिक्स्ड शेप. तो यहाँ पे गैसेस के हमारी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है. नाउ जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कंटेनर था, सपोज कंटेनर की जो शेप थी वो हमारी स्क्वायर शेप थी, तो जैसे मैं गैस को इसके अंदर फिल करूँगा, सो जो गैस है उसकी भी शेप कैसी हो जाएगी, हमारी स्क्वायर हो जाएगी, एंड जो गैस की वॉल्यूम है वो कितनी हो जाएगी, हमारी 5 liters हो जाएगी. नाउ अगेन अगर मैं सिंपली यहाँ पे एक दूसरा कंटेनर लेता हूँ, लाइक दैट हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगुलर शेप का कंटेनर है, और इस ट्राइंगुलर शेप के कंटेनर में मैंने अगेन यहाँ पे क्या किया, मैंने अगेन इसमें एक गैस को फिल किया. नाउ अब ये गैस, वही सेम गैस मैंने यहाँ पे फिल की जो अभी मैंने दूसरे कंटेनर में फिल की थी स्क्वायर वाले में, देन वो सिंपली गैस क्या करेगी, अब यहाँ पे कौन सी शेप को गेन कर लेगी, वो अब यहाँ पे ट्राइंगुलर शेप को गेन करेगी. एंड सपोज इस कंटेनर की वॉल्यूम कितनी है, इसकी वॉल्यूम है 3 liters. नाउ अब गैस की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी हमारी, उसकी वॉल्यूम 3 liters हो जाएगी. सो लाइक दैट आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस एक्टिविटी हम सिंपली बोल सकते हैं, गैसेस की ना ही कोई हमारी डेफिनेट या फिक्स्ड शेप होती है, और ना ही उनकी कोई डेफिनेट या फिर फिक्स्ड वॉल्यूम होती है. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ वी कैन सिंपली explain why the gases do not have a definite shape or definite volume. Now dear students, some more points regarding the gases. So gases are simply invisible.
invisible. Between the particles of matter. So in the previous live session we have discussed that the matter is made up of small tiny particles, and these particles have intermolecular force between them. सो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे गैसेज होती हैं, गैसेज कैसी होती है हमारी, बेसिकली वो इनविजिबल, यानी कि उस गैसेज को हम देख नहीं सकते हैं, बट हम गैसेज को क्या कर सकते हैं, गैसेज को हम फील कर सकते हैं. सो लाइक दैट द एयर, सो जैसे कि हमारे सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है, सो एयर इज सिंपली अ गैस. एयर हमारी क्या है, एक गैस है. सो उस गैस को हम, उस एयर को सिंपली देख तो नहीं सकते हैं, बट हम उसको सिंपली क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम उसको फील कर सकते हैं. सो इनविजिबल मीन्स जिसको हम देख नहीं सकते हैं. So dear students, so I can simply write here. Yes, beta, because the molecules of the gases can simply move here and there. So dear students, so I can simply say that we do not notice a gas because it is invisible. सो हम एक गैस को कभी भी नोटिस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द गैस इज इनविजिबल. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट. सो आई होप आपको तीनों ही स्टेट समझ में आ गई हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट. So dear students, in previous in liquid state we simply studied the term fluid. So where we discussed that gases are also a fluid, it means gases also have the property to flow. So gases jo hoti hai hamari, gases also flow from, gases also flow from higher level to lower level. The properties or characteristics of the three states of matter, solid, liquid and gases. Now dear students, in this chapter only one topic is remaining, which is the comparison between the three states of matter, or simply the difference between the between solids, liquids and gases. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आज के इस लाइव सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और एंड द रिमेनिंग टॉपिक विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लाइव सेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आज के लाइव सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं. सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन, एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लाइव सेशन. एंड डियर स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स दैट आई हैव डिस्कस इन टुडेज लाइव सेशन एंड इन द यस्टरडेज लाइव सेशन. मेटर डिफ्यूजन इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस इन दिस चैप्टर, बट डिफ्यूजन मीन्स सिंपली द फ्लो. डिफ्यूजन हम सिंपली यहाँ पे फ्लो को ही बोलते हैं. जब हमारे जो गैसेस होते हैं वो हाई लेवल से लो लेवल पे क्या होती हैं, फ्लो करती हैं विद द हेल्प ऑफ अ मेम्ब्रेन. एक मेम्ब्रेन, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मेम्ब्रेन, कोई वहाँ पे मेम्ब्रेन वर्क नहीं करती है. सो वो सिंपली हम उसको बोलते हैं डिफ्यूजन. सो लाइक दैट, अभी हमने पीछे एग्जाम्पल को स्टडी किया था. हमारे पास दो कंटेनर्स थे, वन इज़ फिल्ड विद कम्प्लीट वाटर एंड सेकेंड वन इज़ हाफ फिल्ड. सो वहाँ पे हमने देखा था कि जो वाटर हमारा प्रेजेंट था, जो कम्प्लीट कंटेनर फुल था वाटर से, सो वहाँ से वाटर कहाँ पे मूव कर गया था, बी कंटेनर में. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिफ्यूजन. बेसिकली जो डिफ्यूजन होता है वो हमारा गैसेस के अंदर होता है. सो लाइक दैट, अगर गैसेस एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में मूव कर रही है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिफ्यूजन. यस बेटा, यू कैन. सो ओके डियर स्टूडेंट्स,